नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्ते भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लांचों के बारे में बताऊंगी। ये प्लांट सकुलेंट फैमिली से ब्लूम करता है और ये सकुलेंट है। और दोस्तों, ये मेरे पास 3 कलर है। ये हाइब्रिड है। सकुलेंट 2 प्रकार में आते हैं, एक तो देसी वाला और एक हाइब्रिड। और इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं और इस बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं इसके। और दोस्तों, इसमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तब भी इसकी जो लीव्स है वो बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए, ये इस वाले में फ्लावर नहीं आया है लेकिन इसकी लीव्स देखिए कितनी सुंदर लगती है। और इसकी लीव मोटी मोटी और चमकदार होती है। और दोस्तों, मेरे पास ये 2-3 कलर है। ये हाइब्रिड है, ऑरेंज कलर में है। इसके जो फ्लावर है काफ़ी दिनों तक के खिले रहते हैं, आता भी टाइम से, बहुत टाइम लगाता है फूल आने में, पर जब आते हैं तो बहुत टाइम तक बने रहते हैं। और एक ये येलो वाला है, ये देखिए, और ये देसी वैरायटी है। ये मेरे पास पिछले साल के रखे हुए थे, इसको मैंने सेव करके रखे थे। ये देखिए, इसमें कितना बड़ा बंच आया है और कितना सुंदर लग रहा है। इसके फ्लावर बंच में आते हैं। और दोस्तों, इसकी मिट्टी के लिए ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसको बहुत पोरस मिट्टी चाहिए, बहुत बेल्ड्रेन होना चाहिए इसका गमला, कि बिल्कुल पानी बिल्कुल भी ना रुके, कि पानी डाला और निकल गया, बस जड़ें भीग जाए, मिट्टी भीग जाए बस। और इसको बहुत कम पानी देते हैं। मिट्टी बनाते समय सेंट का यूज़ ज़्यादा करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पोरस मिट्टी बनाना है तो 50% सेंट लेना चाहिए और 50% गोबर खाद। और हो सके तो आप थोड़ा सा कोकोपीट मिला लें ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, पानी इसको बहुत कम देना चाहिए, मतलब 2-3 दिन, या मतलब अगर हमारा पॉट थोड़ा सा बड़ा हो तो 4-5 दिन भी चल जाता है। जब देख लिए कि इसकी मिट्टी की सतह बिल्कुल सूख गई है तभी हम पानी डालें। और दोस्तों, इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, ये छोटे से छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है और चलता भी बहुत आसानी से, और बहुत आसानी से कहीं पर भी ग्रो हो जाता है। अगर हम इसकी छोटी सी डंडी भी, इतनी सी 2 इंच की डंडी भी हम कहीं पर मिट्टी में गड़ा देंगे तो वो आसानी से चल जाता है। बस इसको खतरा है तो ज़्यादा पानी की, क्योंकि ये बहुत जल्दी गलते हैं। इसकी स्टेम जो होती है ना, बहुत ही जल्दी गलती है और बहुत जल्दी इसमें फंगस लगती है, तो पानी का थोड़ा ध्यान रखें। और दोस्तों, धूप की अगर बात करें तो सर्दियों में इसको जब तक फूल नहीं आए तब तक इसको तो फुल सनलाइट में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको धूप नहीं मिलेगी सर्दियों में तो इसके फूल नहीं आएंगे। इसलिए सर्दियों में इसको 2-3 घंटे की धूप तो ज़रूरी है। और दोस्तों, पानी बहुत कम देते हैं और गर्मी में तो इसको बहुत धूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये मर जाता है। बस ये है कि रोशनी बनी रहे, सूरज की जो सनलाइट है वो ज़रूर इसको पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरे में भी नहीं चलता, अंधेरे में भी मर जाता है और स्टेम इसकी गल जाती है। और दोस्तों, फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र अभी तो इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूल लगाने में अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो प्लांट को फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है। तो इसको 15 दिन में गोबर खाद या कोई लिक्विड फॉर्म में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या DAP के दाने 2-3 डाल दो। अगर छोटा पॉट हो तो छोटे पॉट में थोड़ा सा 2-3 दाने डाल दो, और बड़ा पॉट हो, वैसे बड़े पॉट की तो ज़रूरत नहीं होती इसको, छोटे से छोटे पॉट में चल जाता। देखिए, मेरे पास ये बहुत ही छोटा सा डब्बा है
ये देखिए ये कितना सा है, ये छोटा सा पॉट है, ये इसमें ये आसानी से चल गए हैं। और ये भी मैं खरीद के लाई थी, ये सेरेमिक की, ये दोनों पॉट, ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन देखिए कितने आसानी से चल रहा है और फ्लावर भी कितने अच्छे से खिल रहे हैं इसके। और दोस्तों ये इंडोर प्लांट है, इसको छांव में ही रखा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी और कैसा लगा मेरा ये प्लांट, देखिए कितना स्वस्थ है, दोनों प्लांट मेरे कितने स्वस्थ है। और कितना ये वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया है, और एक इधर भी है ये वाला, ये देखिए। और इसके फ्लावर स्टिक जो निकलती है, एक स्टिक निकलती है उसमें आता है, बंच में गुच्छे में आता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूले, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा।